भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी ने हाल ही में डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, नाम है द मोदी क्वेश्चन। 2 एपिसोड वाली इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर और 2002 में उनके गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए दंगों के बारे में दिखाया गया है। पहला हिस्सा 17 जनवरी को रिलीज हुआ और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होने वाला है। डॉक्यूमेंट्री में ब्रिटिश सरकार की इंक्वायरी टीम के रिपोर्ट का हवाला देकर दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाया गया है। हालांकि ये रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं हुई, ना ही ये डॉक्यूमेंट्री भारत में रिलीज हुई है। बीबीसी 2 जो कि ब्रिटेन में बीबीसी का टीवी चैनल है, उस पर ब्रॉडकास्ट हुई थी। कुछ लोगों ने इसे यूट्यूब पर अपलोड किया था, हालांकि बाद में इसे हटा दिया गया। इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 19 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक प्रोपोगंडा पीस है और इसलिए ये भारत में रिलीज नहीं हुई। बागची ने कहा, हमें लगता है ये एक प्रोपोगंडा का हिस्सा है जिसे एक खास नैरेटिव के तहत बनाया गया है। इसमें पूर्वाग्रह, पक्षपाती और औपनिवेशिक मानसिकता साफ साफ दिखती है। अरिंदम बागची ने आगे कहा कि ये फिल्म या डॉक्यूमेंट्री कुछ है तो वो उन एजेंसी या लोगों की मानसिकता की ही झलक है जो उस नैरेटिव को बार बार दोहराते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसके पीछे का उद्देश्य और एजेंडा देखकर हमें आश्चर्य हो रहा है, हम इस तरह की कोशिशों को तवज्जो नहीं देना चाहते। वहीं इस मामले पर बीबीसी के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि इस सीरीज में उठाए गए मुद्दों पर भारत सरकार से जवाब मांगा गया, लेकिन भारत सरकार ने जवाब देने से इनकार कर दिया था। जाते जाते गुजरात दंगों के बारे में भी जान लीजिए। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाए जाने के कारण 59 हिंदू यात्रियों की मौत हो गई थी। ट्रेन में कार सेवक भरे थे। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक पूरे गुजरात में अलग अलग शहरों में सांप्रदायिक दंगे हुए। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि इन दंगों में 1000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। इनमें 790 मुसलमान थे और 254 हिंदू थे। दंगों में राज्य सरकार और नरेंद्र मोदी की भूमिका पर पहले भी सवाल उठे थे। हालांकि नरेंद्र मोदी ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने दंगे को रोकने के लिए कुछ नहीं किया वाले ये जो आरोप हैं वो झूठे हैं। कई जांच एजेंसियों और सुप्रीम कोर्ट ने भी नरेंद्र मोदी को इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। आपके लिए ये जानकारी जुटाई मेरे साथी साकेत ने। मेरा नाम है सोनल। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।